फंक्शन ये वर्ड तो हमने बहुत सुना है और पढ़ा भी है फंक्शन को हम मशीन की तरह भी समझ सकते हैं जिसमें इनपुट जाता है फंक्शन उस इनपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड फाइनली वी गेट द आउटपुट ये आउटपुट एफ ऑफ एक्स कहलाता है या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू है एट अ गिवन इनपुट और इमेज ऑफ एक्स इस आउटपुट को हम यूजुअली वाई से भी डिनोट करते हैं या फिर यूं कह लें कि y इज अ फंक्शन ऑफ x x यहां पर एंड y वेरिएबल्स हैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं हमें नाम से ही पता चल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है फंक्शन या इक्वेशन में मौजूद दूसरी क्वांटिटीज पे जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करता हमने फंक्शन और वेरिएबल्स की काफ़ी बात कर ली अब टाइम है फंक्शंस को सॉल्व करने का ठीक है सो लेट्स से वी हैव दिस फंक्शन और इस फंक्शन में हमें एफ़ ऑफ जीरो फाइंड करना है हमने हमेशा एफ़ ऑफ एक्स लिखा देखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स की जगह पे जीरो लिखा है जिसका मतलब यह है कि हमें इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आए वहाँ हमने ज़ीरो इंसर्ट करना है तो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है यहाँ हमने फंक्शन में x की जगह जीरो एंटर किया और इसको मजीद सिम्प्लीफाई करने पे आंसर आया माइनस वन इजी सो नाउ यू नो हाउ अ फंक्शन इज सॉल्व अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैसे मालूम कर सकते हैं हमें पता है कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स टू अ फंक्शन एंड रेंज इज द आउटपुट गिवन बाय द फंक्शन सो लेट सपोजशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इस फंक्शन में अगर हम x की जगह कोई रियल नंबर प्लग इन करते तो हमें पता है कि फंक्शन कैन इट सो यू नो यहाँ x पे स्क्वायर है इसीलिए फंक्शन को दिए गए किसी भी इनपुट पर आंसर या रेंज नेगेटिव नहीं आएगी क्यों स्क्वायर की वजह से दैट्स वाई द रेंज ऑफ दिस फंक्शन वुड बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स लेट्स सॉल्व इट इस फंक्शन में वी विल प्लग इन फ्यू वैल्यूज इन प्लेस ऑफ एक्स जैसे कि जीरो वन टू माइनस वन एंड माइनस टू इन वैल्यूज को प्लग इन करने पर हमें वाई की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी जैसे कि ये एंड यू कैन सी की जो भी इनपुट है आंसर पॉजिटिव ही आया है इन वैल्यूज को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो उसका कर्व कुछ ऐसा नजर आएगा तो ये तो बहुत सिंपल फंक्शन था नाओ लेट्स है लुक एट अ मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे कि ये

इसलिए इस फंक्शन का डोमेन होगा कोई भी रियल नंबर जो नेगेटिव और पॉजिटिव थ्री के इंटरवल के दरमियान नहीं लाई करेगा मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब बात कर लेते हैं रेंज की हमें पता है कि इस फंक्शन से वी विल नॉट गेट अ नेगेटिव नंबर तो हमारी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स अब हमें फंक्शन को सॉल्व करना आता है डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी आती है To study more details of functions, watch the next video.